DJ bring it back, dollar DJ turn it up. Better DJ bring it back, dollar DJ turn it up. Better DJ bring it back, dollar better DJ turn it up. Better DJ bring it back, dollar better DJ turn it up. तो hey family, स्वागत है आपका मेरे इस new vlog में. So ये शिवम traveler आज travel करने जा रहा. So एक bus में. So ये रहे मम्मी एंड पापा. So इस बार का ट्रिप है मम्मी और पापा के साथ, और मैं नहीं बताने वाला और ना ही मैं थंबनेल डालने वाला हूँ कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ. ये आपको ब्लॉग पूरा ही देखना पड़ेगा ये पता करने के लिए. सो हम अभी बस खुलने का वेट कर रहे हैं. सो मिलते हैं बस खुलने के बाद, और मे भी आधा घंटा भी लग सकता है, एक घंटा भी लग सकता है. बाकी आपको पता तो चलेगा ही कि कहाँ जा रहे हैं. तो देखते रहिए इस ब्लॉग को, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ वहाँ पर जाने को, क्योंकि अभी का टाइम चल रहा है बाढ़ का. तो इतनी रिस्की मूवमेंट में भी जा रहा हूँ, तो अपने भाई को ज़रूर देखो, पूरा वीडियो देखो. मतलब इतने रिस्की मूवमेंट में भी जा रहा हूँ तो देखो तो सही यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो. तो गाइस ये बैग टांगा हुआ. अब ये मत कहना हर वेले मोटे उत्ते ऐ बैग जगा तो रख रहा, कितों आया ऐ पैसा टोलो कैश ही कर तो रख रहा. तो गाइस ये गाना बहुत ही सही लगता है, मतलब इसलिए बैग ले लिया. तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे. मिलते हैं आपसे गाइस, दिस इज टाइम टू डिपार्ट. अभी बस में आ चुके, एंड जो मम्मी को स्लीपर एंड मेरा एक पीछे ब्लू ब्लू सा लग रहा है ना. पापा एक हो जाएंगे, मैं आना हो जाऊँगा. मैं कितना दयावान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दयावान हूँ. तो अपने कैबिन में बैठ के आपको दिखाते हैं सीन. तो चलो चलते हैं, एक्साइटेड मैं है ना, बट आपको नहीं बताऊँगा कि कहाँ जा रहे हैं. फैमिली ये बस पूरी एसी, मतलब यहाँ पे एसी लगा, तो गर्मी की तो कोई गुंजाइश नहीं. और थोड़ा सा ना मेरे को लाइट लेने के लिए तो यहाँ पे आना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें आपको पता है ब्लू ब्लू लाइट चल रही. और मैंने बूट रख के सही बंदोबस्त किया यहाँ साइड में, क्योंकि मेरे साथ ये जो कैबिन है ये शेयरिंग में है, तो मेरे साथ एक और बंदा है, तो वो वहाँ पे सामने हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे. तो गाइस अब यहाँ पे सो गए, और सुबह तक का वेट है. फिर जहाँ पे भी पहुँचेंगे वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता लगेगा, ठीक है. तो चलो फिर, मैं इस वीडियो पे थंबनेल नहीं डालने वाला कोई, ठीक है, पहली बात बता रहा हूँ. पूरी वीडियो देखो बस, मतलब इस वीडियो एंडलेस होने वाला है ये वीडियो. सो आप पूरा देखो, एंड यार खुशी पता नहीं क्यों अंदर से आ रही, इतने दिन को व्लॉग भी नहीं बनाया, और सीधा ये ट्रिप मज़ा आ रहा. मतलब मेरे को तो लग रहा ये वीडियो चढ़ेगी ज़रूर. तो चलो गाइस, बस ना एक ही जगह पर रोक रही है अभी, वहीं पर रोकी चला नहीं रहे, तो वेट कर रहे हैं चलने का. मिलते हैं आपसे बाद में, तो चलते हैं. फैमिली अभी हम किसी ढाबे पे रुके हैं. सो ढाबे का नाम क्या है, साडा कुलचा, जो कि पीछे देख ही सकते हो, इतनी लाइटिंग के कारण नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे मे भी दिख जाए, बट यहाँ पे भी मुश्किल है. तो गाइस इस बस में जा रहे हैं, बट इस बस से कभी भी टिकट मत करवाना, क्योंकि ये सुनते ही नहीं है. इनको मैं कितनी देर से कह रहा था, मेरे को वॉशरूम आया, अब रुको थोड़ा सा, मतलब जाने दो, बट कह रहे नहीं 45 मिनट में ढाबा आने वाला, वहीं पे रुकेगा ये वो. भाई यार ये बात गलत है यार, अगर किसी को आया तो 2 मिनट रोक लो यार, क्या चल जाएगा. तो इतनी देर में, मतलब इतनी मुश्किल से मैं कंट्रोल करके बैठा इतनी देर. इनका ट्रैवल है जे के ट्रैवल. इसमें कभी भी सफ़र मत करना. और वो कंडक्टर जो है वो इतना रूडली बात कर रहा है ना, मतलब मार पड़ने वाली हुई है उसको, बस और कुछ नहीं. बाकी अभी तो रास्ते में कुछ कह भी नहीं सकते, मतलब अपना ही घाटा होगा, तो इसीलिए. बाकी तो भाई इसमें कभी भी मेरी मानो तो कभी भी सफ़र मत करना, ठीक है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रह रहा, क्योंकि इतना रूड बात कर रहा ना, मेरा मन कर रहा था अभी उसके रख के दूँ ये, बट क्या करें यार, अभी मतलब फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो नहीं हो सकता. अभी तो मैं कर देता इसका कांड. तो अभी ढाबे पे से चलेंगे ही चलेंगे. बाकी गाइस
जो सुकून मिला ना, सही बताऊँ, इतनी देर बाद वो बस के बाद वॉशरूम जा कर मैं सीधा पहले वहाँ ही भागा। मैं पीछे से ही मैंने देख लिया कि यहाँ इस तरफ है, तो सीधा यहाँ ही भागा भाई। जो सुकून मिला भाई, मैं कह सकता भाई जैसे रेगिस्तान में प्यासे को पानी मिल गया हो वैसा। भाई अभी फिर जा रहे हैं, और बाकी आपको तो आगे पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। बाकी मैं भी ये दो पार्ट्स में आए व्लॉग, क्योंकि एक में तो बनेगा नहीं है। तो चलो फिर गाइस, चलो गाइस अभी हम जम्मू आ चुके हैं, और हमने छोटी सी कार खड़ी है आगे जाने को। तो कहाँ जा रहे हैं ये तो जाने के बाद ही पता लगेगा। बाकी एक सवारी ढूंढ रहा बंदा यार यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि अपनी गाड़ी होनी चाहिए, पता है। यहाँ पे ऐसा होता है, मतलब अंदर से ही फील आता है कि अपनी गाड़ी होती ना तो और सही होता। क्योंकि देखो भावताल करने में फिर किचकिच होता है ज़्यादा, फिर सही से नहीं लगता। इस रोड देख ही सकते हो, बाकी जाके दिखाते हैं रोड से पीछे से बंदियाँ आती। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बंदियाँ तो ज़्यादा ही हैं यहाँ पे, कमी नहीं है। आगे से कार भी आ रही, कार की भी कमी नहीं है, और नीचे भी आ सकते हैं हम लोग। देखा ये टेक्निक हमारा बंदियाँ निकालने का। तो बंदियाँ जब देख ही लिया आपने, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। टेक्निक दिखाने के बाद हम सब वेट कर रहे हैं। देखो मम्मी अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच रही, और पापा गाड़ी के अंदर भी बैठ चुके हैं, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा अंधेरे के कारण, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा। तो पापा बैठे पजामे में, चिट्टे पजामे में। सो ये रे पीछे मम्मी। सो अभी एक्साइटेड है हम जाने को, आगे टेक्निक आ नहीं रही है। चलो मैं आगे। तो अभी यार एक बंदे का वेट कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं पैसेंजर एक, तो वो अगर मिलेगा तभी हम आगे जा पाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। जिस स्ट्रैटेजी पीछा पीछा करके और बंदे को घेरना, चेक दिस स्ट्रैटेजी, यही मेरे को भी सीखना चाहिए अपने सब्सक्राइबर घेरने को। देखो निकल जाएगा भैया, बैठ जाओ। चलो निकालने वाला एक ही सीट है।